की लाइफ में क्या ही अच्छा होना है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल आ रही है ना कमर्शियल वाले भेजा फ्राई की वाइब्स, ये चेक करें, ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा यहाँ पे हुआ है भेजा फ्राई, ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारे यहाँ पे भेजा फ्राई दे रहे हैं, ये चेक करें क्या ज़बरदस्त किस्म का ये हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स, मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है, कैसी जो है आप लोगों की ईद गुजर रही है कमेंट में ज़रूर बताना है। और आज जो है थर्ड डे ईद का है और हम जो है कल का मैं व्लॉग जो है नहीं बना, बस मेरा दिल नहीं कर रहा था यार क्या बनाऊँ घर में, वही मतलब क्या मैं दिखाऊँ, मुझे खुद आप लोगों को बोर करने में ना अच्छा नहीं लगता जब मैं खुद इतनी ज़्यादा बोर फील कर रही हूँ। और चलिए फिर आज का व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। और अगर अब तक चैनल को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लें वीडियो को, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और शिबाना वकार आंटी अब क्या मैं बोलूँ, अल्लाह पाक सभी का के नसीब अच्छे करे, उसकी ज़िंदगी में सब अच्छा है, आमीन सुम्मा आमीन, क्योंकि अब मेरी लाइफ में अब क्या ही अच्छा होना है। और थैंक यू सो मच, हमारे वीडियो देखनी है इतने प्यारे प्यारे, आपने कमेंट किया यार आई मिस यू, बहुत याद आते हो आप। और समन जकी माय लव, बिहारी कबाब तो खैर सभी का फेवरेट है, चटपटा मज़ेदार होता है। महवेश आमिर आपने कहा आपको बिहारी का बहुत पसंद, थैंक यू, आप भी लव यू लव यू लव यू। और फरमान हसन थैंक यू, फैज़ान खान थैंक यू। चले फिर व्लॉग को करते हैं स्टार्ट और मैं जा रही हूँ अभी किचन में क्योंकि मैं आज कर रही हूँ भेजा फ्राई। तो चले फिर आपको भी दिखाती हूँ कैसे करती हूँ मैं भेजा फ्राई। मैंने यहाँ पे मगज मतलब के भेजा लिया था, उसको थोड़ी सी हल्दी और लेमन जूस में पानी में बॉयल कर लिया अच्छी तरीके से 5 मिनट। 5 मिनट हो चुके थे उसको मैंने निकाल लिया। अब यहाँ उसी पेन में मैंने एक बड़ा टमाटर जिसकी स्किन को पिल ऑफ कर लिया वो डाला, उसमें भेजा डाला और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा पानी ऐड करके कवर कर दिया। 3 मिनट उसको कवर करके रखा। अब यहाँ पे टमाटर जो है ना वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके थे। सॉफ्ट होने के बाद मैंने जो है भेजे को बड़ी आराम से साइड साइड पे कर दिया क्योंकि भेजे को ना मुझे बिल्कुल उसका कीमा नहीं बनाना है, मुझे भेजा फ्राई बनाना है। तो यहाँ पे जो है टमाटो को ना मैंने कुचल कुचल के अब बारीक भेजा फ्राई कर रही हूँ और मेरी मम्मा जो है उनको मैं दिखाती हूँ वो क्या कर रही है। तो वो साथ साथ जो है यहाँ पे बना रही है कबाब, ये देख ले भाई अभी जो है सारे कबाब बस बना रही है, उसको फ्रीजर में रख रही है, रुक रही है, थोड़े बना रही है रख रही है, वो यहाँ पे इस काम पे जो है वो लगी हुई है। ये देखें गर्मी से मेरी आंखों का काजल जो है बहक चुका है, इसको जो है हम सर्व करते हैं मेरा बहका काजल यहाँ पे। और चले फिर भेजा जो है फ्राई मैं आपको दिखा दूँगी मैं किस तरीके से भेजा फ्राई कर रही हूँ। फिलहाल मैं अभी किसी बंदे का नहीं कर रही हूँ, मैं गाय का भेजा फ्राई कर रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे ना टमाटर का जो है मैंने भेजा जो है असल में टमाटर का ही भेजा मैंने यहाँ पे निकाल लिया और अब संभाल संभाल के भेजे को जो है वो मैं सेंटर पे लेकर आ गई थी। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी और वो ऐड करूँगी मैं यहाँ पे आधी चाय का चम्मच कुटा सफ़ेद ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें, आधी चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्चें और इसमें मैंने ऐड कर दिया 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको बड़े अच्छी तरीके से ज़बरदस्त किस्म से ना मैंने यहाँ पे इसको किया है फ्राई क्योंकि पानी के साथ ये है कि मसाले को आपने भुनना है और मैंने इसमें हसब ज़रूरत नमक भी ऐड किया है। मतलब पानी के साथ भुनने से ये है कि मसाले की जो स्मेल है ना उसको आपने निकाल देना। यहाँ पे देखें भेजा अच्छी तरीके से जो है भुनाया जा चुका है, अब बारी आती है इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़े करने की। तो ये देखें कितने आराम से मैं अच्छे से टुकड़े कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी चूरा नहीं हो रहा, बड़ी संभला संभला से इसके जो है पीसेस यहाँ पर बन रहे हैं। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल भी ऐड कर दिया और अब जो है फाइनल स्टेज है बस जिसको मैंने यहाँ पर फ्राई कर दिया। यहाँ पर बिल्कुल आ रही है ना कमर्शियल वाले भेजा फ्राई की वाइब्स, ये चेक करें, ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा यहाँ पे हुआ है भेजा फ्राई, ये चेक करें। यहाँ पे जो है मज़ेदार सा भेजा फ्राई जो है हो चुका है, ये देखें कितना अच्छा जो है इसका लुक जो है लग रहा है, ये देखें टेंडर भी कितने अच्छे तरीके से, मैं आपको काट के दिखा देती हूँ, ये चेक करें, ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारे यहाँ पे भेजा फ्राई दे रहे हैं, ये चेक करें क्या ज़बरदस्त किस्म का ये हुआ है, बड़े मज़ेदार लग रहा है। तो चलिए फिर घर वालों को जो है ये सबको जो है मैं टेस्ट कराती हूँ। अच्छा जी आज खाने में मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया क्योंकि किसी का मूड ही नहीं है कुछ भी खाने का, किसी से खाया नहीं जा रहा है। तो आज खाने में जो है आप यकीन नहीं करेंगे, आज बकरीद के थर्ड डे जो है हमारे यहाँ खाना बन रहा है और वो है दाल चावल आलू की भुजिया और उसके साथ जितने पुराने शरफ शामी कबाब जो है बने हुए रखे हुए थे प्रीवियस वो सारे जो है आज फ्राई हो रहे हैं। तो बस ये आज हमने सोचा थोड़ा हल्का हल्का खाए, फिर इंशाल्लाह कल से या परसों से जब भी दिल चाहेगा तो फिर हम हेवी होना शुरू करेंगे, हेवी हेवी चीज़ें बनाएंगे।
और चलिए फिर इसको एंजॉय जो है मैं सुकून से जो है रूम में आ चुकी हूँ, क्योंकि आज जो है हमारे अब्बा जो है थोड़े डाउन डाउन बीमार चल रहे हैं, तो वो जो है रूम में एकदम सुबह से आज जो है एसी ऑन है और वो बन ही नहीं हो रहा है। और ये हमारा दिखाओगी क्या कर रही हो, फिल्म देख रही हो, ये देख रही हैं। कल मैंने फिल्म देखी थी सत्या प्रेम की कथा, तो इनको मैंने सजेस्ट किया है कि आप वो देखें, तो आप वो फिल्म देखेंगी? जी बिल्कुल देखिए, मैं रात में ये पूरी कहानी जो है मुझसे सुन चुकी है, ये मैं कोई फिल्म देखती हूँ ना, पूरी स्टोरी मुझसे सुनती है उस फिल्म की, और फिर कहती है मैं देखूँगी देखती हूँ। खैर यहाँ पे जो है हम सब की जो है गर्म चाय की प्याली जो है वो आ गई है, मम्मा लेकर आई हैं, और अभी जो है हम लोग सब चाय जो है इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे ये देखें आलू प्याज, ईद के तीसरे दिन मेरी अम्मा की जो है सब्ज़ी मंडी जो है खुल गई है, और ये देखें ज़रा इस वक्त 12:30 हो रहे हैं और कराची में इस कदर गर्मी है कि देखने, मैंने इतनी रात को शावर ले लिया है, मुझे बड़ी गर्मी लग रही थी। और आज मतलब हम लोगों की ईद वाले दिन से जो हालत हो रही थी हम लोगों का, मतलब हमने सिर्फ बारबेक्यू ही खाया था, जो वो बनाया था आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, वो ही खाया था। पता नहीं क्या उसके इन्वायरमेंट ऐसी होती है, या कोयले की महक होती है, या फिर शायद गर्मी इतनी लगती है उसको सेकने में कि आदमी खाने से पहले ही हेवी हो जाता है। तो खैर आज हम लोगों ने बहुत ही लाइट और मतलब मज़ेदार सा खाना बनवाया था, आलू की भुजिया राइस दाल वो खाया गया, और कबाब सारे जो भी थे वो सारे फ्राई कर लिए थे। खा पी के अब हम लोग फारिग हुए, बड़ा मज़ा आया खाने में, सुकून से खा सके, नहीं तो गोश्त तो बिल्कुल इस वक्त नहीं खाया जा रहा, इतनी हेवी हालत हो गई है। और आज फाइनली गुजर ही गया, ईद ख़त्म हो गई है, अब कल जो है संडे है, और कल संडे है, मतलब ऑफिस वगैरह की छुट्टी का लास्ट संडे है, ईद का लास्ट संडे है, मतलब ऑफिस वगैरह की छुट्टी का ईद वाला संडे छुट्टी का लास्ट संडे है। अब देखें कल हम लोग क्या करते हैं, बारबेक्यू तो मेरे ख्याल से नहीं होगा क्योंकि हम लोगों से अभी खाया नहीं जा रहा है, एकदम मतलब बहुत हेवी फील हो रहा है, तो देखते हैं कल शायद हम कहीं बाहर जाएं, कुछ अभी प्लान नहीं किया है, बस इधर उधर हो रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें। तो इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मसारा किचन और मसारा ब्लॉग्स को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।